हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा पोजीशन ऑफ वर्ड्स। पोजीशन ऑफ वर्ड्स मतलब रिक्तियों का स्थान कहाँ होता है। हेडिंग डालेंगे रिक्तियों की स्थिति या स्थान कह सकते हैं, रिक्तियों की स्थिति या स्थान भी कह सकते हैं, पोजीशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, या स्थान ही कह लीजिए, प्लेस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पोजीशन ऑफ वर्ड्स मतलब रिक्तियां, वर्ड्स, होल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो हमें देखना है। तो वर्ड्स के विषय में तो मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ पहले ही, रिक्तियाँ क्या होती हैं, तीन गोले को मिला करके एक रिक्ति बनी है उसे त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं, चार गोलों को मिला करके एक रिक्ति बनती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, आठ गोलों को मिला करके एक रिक्ति बनती है उसे हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। अब हमें देखना क्या है, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक रिक्ति पाई जाती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी रिक्ति पाई जाती है? एक, बहुत साधारण सा है भाई, सभी कोनों पर आठ गोले हो जाते हैं और जब सभी कोनों पर आठ गोले तो बीच में गोले क्यूब के बीचों बीच कोई ना कोई एक छोटा सा होल बचेगा उसे हम रिक्ति बोल देंगे। सिंपल चीज है, इसे ज्यादा नहीं करना है। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के फलक के केंद्र पर एक अष्टफलकीय यूनिट पाई जाती है, एक अष्टफलकीय रिक्ति पाई जाती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के फलक के केंद्र पर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पाई जाती है, अष्टफलकीय रिक्ति पाई जाती है। ये भी बहुत सिंपल सा है, उसे भी बस एक नोट पॉइंट में लिख लेंगे, जानते रहेंगे। जो हमें पढ़ना है आज बच्चों यहाँ पर, वो हमें मेन जो पढ़ना है वो 3D के लिए पढ़ना है, त्रिविमी के लिए पढ़ना है। तो आइए हेडिंग डालते हैं हम लोग, त्रिविमी FCC या CCP के लिए, 3D FCC या CCP, क्लोज क्यूबिक पैकिंग फेस सेंटर क्यूब। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कहां मैंने पढ़ाया है, पैकिंग में, याद करिए पिछला लेक्चर, या देख लीजिए ना देखे हो तो, वहां मैंने कहा था ए बी सी टाइप का, बोलिए कहा था मैंने, ये जो ए होता है ये कहां पर रहता है, द्विबीमी षटकोणी व्यवस्था में, किसमें रहता है बच्चों, द्विबीमी षटकोणी संकुलन में, यहां लिख देता हूं 2D षटकोणीय संतुलन। ए जो बी होता है वो चतुष्फलकीय रिक्ति में जाता है, चतुष्फलकीय रिक्ति में जाता है रिक्ति, और जो सी होता है वो कहां जाता है आपको पता होगा, अष्टफलकीय, पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति में ये चला जाता है। चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है इसके विषय में मैं पढ़ा चुका हूं, आज फिर अभी थोड़ा सा बता देता हूं। चतुष्फलकीय मतलब जैसे एक एटम ये हो गया और उसके बाद एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, यहां पर जो रिक्ति बचेगी, जो वाइड्स आएगी उसे क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय, चार गोलों को मिला करके एक रिक्ति बनती है उसे हम चतुष्फलकीय कहते हैं। अष्टफलकीय में छह गोले, जैसे हम ऐसे ले लें, तीन हो गए, तीन नीचे गए, तीन ऊपर ले लो ऐसे, ये अब यहां पर जो रिक्ति आपको आएगी वो कौन सी रिक्ति होगी, अष्टफलकीय। तो कहने का मतलब जो आपका ए जाता है वो षटकोणीय संतुलन में जाता है, 2D व्यवस्था में रहता है, अब यहां से भी त्रिविमी में आ जाते हैं, और ये भी किसमें जाता है, चतुष्फलकीय रिक्ति में जाता है, और सी किसमें जाता है, अष्टफलकीय, तो उसे क्या बोलते हैं, ABC प्रकार का। अब इसमें हमें रिक्तियां निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, रिक्तियां। तो सबसे पहले हम चतुष्फलकीय रिक्ति देखेंगे, क्या देखेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति।
तो आइए इसे हटाते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति होती कहाँ है और कैसे होती है, तो हेडिंग डालते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति मतलब टेट्राहेड्रल वाइब्स। बच्चों चतुष्फलकीय रिक्ति होती है पता है बॉडी डायगोनल पे, कहाँ होती है बॉडी, टेट्राहेड्रल वाइब्स बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल पर होती है। अब आप कहेंगे बॉडी डायगोनल क्या है, बताता हूँ। एक फेस डायगोनल होता है और एक बॉडी डायगोनल होता है। जैसे आपका कमरा है तो कमरे में आप जितनी दीवारें हैं, फर्श को भी लेना है छत को भी लेना है, छत फर्श दो मतलब सभी को जितनी दीवारें हैं उनको सबको फेस मानना है। कितने फेस होंगे गिनते हैं, एक छत हो गया, एक फर्श हो गया, दो तीन चार पाँच छः, मतलब किसी भी कमरे में छः फेस होंगी, छः फलक होंगी, छत को भी लेना है और फर्श को भी लेना, सभी चारों दीवारों को ले लेना है, छः फलक। अब अगर हम फलक के एक कोने से दूसरे कोने ऐसे जैसे हम क्यूब बना लें, ये हमने क्या बना लिया बच्चों, क्यूब बनाया। अब ये एक फेस हो गया हमारा, ठीक है, ये एक फेस हो गया। जैसे हम दीवार ले लें तो इस कोने से और इस कोने की ये दूरी है, इस कोने से ऐसी दूरी को, ये फेस का एक कोना और ये फेस का दूसरा कोना, इसको बोलेंगे फेस डायगोनल। और अगर हम इसी प्रकार इस कोने से और उस कोने को ले लें तो उसे क्या बोलेंगे, यहाँ वहां से वहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल। बात समझ में आई, तो अगर हम बात करें यहां से यहां तक की दूरी तो ये क्या कहलाएगा, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। और अगर हम यहां से इस कोने से इस कोने के बीच की दूरी की बात करें, मतलब वहां से वहां या यहां से वहां ऐसे की बात करें, तो हाँ ये भी हमारा सिंपल है, फेस नहीं है क्या बच्चों, सिंपल है, अभी हमारा फेस नहीं है। तो अब ये फेस कब बनेगा, देखो ये इसका फेस पॉइंट है, तो इस पर यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा छोटा बन गया है, बराबर नहीं बना है, थोड़ा बराबर बनाते हैं, ज्यादा आनंद आएगा। अब कुछ बराबर आया हुआ है, तो ये हमारा सिंपल है। अब फेस का मतलब क्या होगा, इस फलक पर एक एटम होगा, यहां पर मान लो इस फलक पर एक एटम, ये वाला मैं छोटा सा लगा दे रहा हूं, दिख रहा है सबको, और थोड़ा कहिए तो बड़ा कर देता हूं, चलिए दिख रहा है। अब ये वाली जो फेस है यहां पर भी एक एटम होगा, मैं फेस पढ़ा चुका हूं, ये वाली भी फेस, ये वाली यहां पर भी, ये वाला एटम यहां पर भी एक फेस होगा, मतलब चार दीवार चार फेस हो गए। अब आपके सामने वाला जो होगा ये थोड़ा सा इसको कैसे करेंगे ना भाई, ये पूरी फेस हो गई तो इसका आइटम कहां पर होगा, यहां पर होगा, ठीक है। अब आपके सामने की तरफ, सामने की तरफ हम मान लेंगे यहां पर है आपका, ठीक है, एक आइटम ये हो गया। अब इस आपके सामने के विपरीत दिशा में मतलब एक आइटम यहां पर आ जाएगा, बोलिए आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, फेस सेंटर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, फेस सेंटर्ड कहलाएगा। अब अगर हम बात करें यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी, बॉडी डायगोनल कहलाएगी, जैसे कि मैंने यहां पर बताया आपको, क्या कहलाएगी, बॉडी डायगोनल कहलाएगी। बात समझना ध्यान से एकदम, बॉडी डायगोनल। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहां कॉर्नर पर भी तो एटम होते हैं सब जगह, यहां तो वो तो सबसे पहले मैंने बताया था, हर जगह कॉर्नर पर एटम होंगे, बोलिए होंगे कि नहीं होंगे, एकदम से होंगे। अब हमें देखना क्या है कि इसका कितना होता है, क्या चतुष्फलकीय रिक्ति होती कहाँ कहाँ है, चतुष्फलकीय रिक्ति होती कहाँ कहाँ है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो जरा इसी को हम, ये तो फेस मैंने बना के दिखाया, एक डायग्राम और बनाते हैं छोटा सा, आपकी व्यवस्था के लिए इस बार मैं इधर थोड़ा सा समझा देता हूँ।
आप कैसे भी बना सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? बॉडी डायगोनल। अब आप जानते हैं एक एटम यहां पर है कॉर्नर पर, एक एटम इस फेस पर है, एक एटम इस फेस पर है, और एक एटम आपके सामने वाले फेस पर है, अर्थात यहां पर मान लो, ठीक है ना, मतलब यहीं पर कहीं पर मान लो, ठीक है, या बीचों बीच आप यहां मान सकते हैं यहां पर, ठीक है। ये एक एटम ये हो गया, गाढ़ा बनाते हैं थोड़ा सा, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, समझना जरा ध्यान से, ये मैं पूरे नहीं बना रहा हूं केवल समझाने के लिए, इस फलक पर, इस फलक पर सामने। तो बच्चों यहां पर एक एटम होगा बड़ा सा, यहां पर एक एटम होगा, और यहां पर एक एटम, यहां पर कितने एटम, एक दो तीन चार, ये किस प्रकार से अरेंजमेंट बनाएंगे, एक तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, और ये वाला कहां चला जाएगा आपका, नीचे समझ लेंगे, ये समझ लो नीचे आ गया। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट यहां पर आ रहा है। तो कहने का मतलब यहां कहीं बीच में यहां पर आपकी एक वाइड आ जाएगी, एक रिक्ति आ जाएगी, और चूंकि चार बॉल से मिलके बन रही है इसीलिए इस रिक्ति को यहां पर जो आएगी उसे क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड, चतुष्फल की रिक्ति हो जाएगी। बोलिए बात सही है। अब ये चतुष्फल की रिक्ति एक तो यहां हो जाएगी, जिस प्रकार यहां पर आया उस प्रकार यहां भी तो आ सकता है भाई, एक एटम यहां होगा, एक एटम इस फेस पर होगा, एक एटम इस फेस पर होगा, और एक एटम यहां पर होगा। दिखा देता हूं आपको, एक एटम यहां कॉर्नर पे होगा, एक एटम इस फेस पर होगा, और एक एटम आपका इस फेस पर होगा, और एक एटम आपका इस फेस पर होगा, पूरा समझ सकते हैं, कहीं भी बनाएंगे सबको समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक दो तीन चार, चार बॉल से मिलके यहां पर भी एक रिक्ति बनेगी, नहीं, इसे भी क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स। कहने का मतलब एक 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 बॉडी डायगोनल में, कितने बॉडी डायगोनल में, एक बॉडी डायगोनल में कितनी वाइड्स आ रही है, टेट्राहेड्रल वाइड्स, दो टेट्राहेड्रल वाइड्स आ रही है। जैसे मैं यहां पर अलग से बना लेता हूं, समझना जरा ध्यान से, यहां पर एटम था, यहां पर एटम था, ये था, और एक, समझना जरा ध्यान से, मैंने बताया था ये जो पूरा बॉडी डायगोनल होता है 4R होता है, मतलब कितनी त्रिज्याएं होती, चार, चार त्रिज्याएं होती हैं। तो एक दो, एक दो तीन चार, चार आर के बराबर होता है, मैं लिख देता हूं यहां 4R भाई, R R R R, और ये 4R की जो पूरी दूरी होती है वो किसकी होती है, A अंडर रूट 3 होती है। समझना जरा ध्यान से यहां तक की पूरी दूरी किस, 4R बराबर किसकी होता है, A अंडर रूट 3 बाई 4 के बराबर होता है, सबको पता है, बिल्कुल पता है। अब अगर हम कहें कि कितना कहां कहां टेट्राहेड्रल वाइड्स आए, तो आपने क्या देखा, एक यहां पर आया टेट्राहेड्रल वाइड्स, और दूसरा कहां पर आया, यहां पर आया टेट्राहेड्रल, ये तो एटम्स है, यहां पर एटम्स, यहां पर एटम्स, यहां पर एटम्स, समझना जरा ध्यान से, टेट्राहेड्रल वाइड्स यहां यहां पर आए। अब हमें क्या करना है, अगर हमसे पूछ ले कि टेट्राहेड्रल वाइड्स बॉडी डायगोनल में कितनी दूरी पर होते हैं, कितनी दूरी पर होते हैं, तो अगर यहां से यहां तक की दूरी हम देखें, इस कोने से यहां जो टेट्राहेड्रल वाइड्स से दूरी देखें, तो पूरी दूरी कितनी है, ए अंडर रूट 3, और ये पूरे कितने पार्ट है, एक दो तीन चार, तो कहेंगे ए अंडर रूट 3 बाई 4, मतलब ए अंडर रूट 3 बाई 4 दूरी पर यहां पर हमारा टेट्राहेड्रल वाइड्स है। समझ में आ रहा है। इधर से भी हम देखें तो यहां से यहां तक की कितनी दूरी है बच्चों, पूरी दूरी तो कितनी है, ए अंडर रूट 3, और यहां ये पूरा चार भाग है तो क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4, तो ए अंडर रूट 3 बाई 4 दूरी पर ही हमारा क्या, टेट्राहेड्रल वाइड्स है। एक बॉडी डायगोनल पे कितनी बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल कितनी टेट्राहेड्रल्स वाइड आई, 2। तो हमें अब देखना है टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, एक किसी को मिटा देते हैं, इसी को मिटा देते हैं, बॉडी डायगोनल देखना है, ये अब देखिए इसे बॉडी डायगोनल देखना है। एक मैंने कहा यहां से यहां तक एक बॉडी डायगोनल, नंबरिंग दे देता हूं मैं, ठीक है, नंबर 1 दिख रहा है। अब दूसरा जो बॉडी डायगोनल होगा कहां से कहां तक का होगा, यहां से यहां तक का होगा, नहीं नहीं दूसरा बॉडी डायगोनल यहां से पूरा यहां तक का होगा, ठीक है,
नंबर दो, जो तीसरा बॉडी डायगोनल होगा बच्चों वो कहां से कहां तक का होगा? यहां से यहां तक का होगा, तीन। और जो चौथा बॉडी डायगोनल होगा, ये पूरा यहां से लेना, चौथा बॉडी डायगोनल कहां से होगा? यहां से पूरा इस कोने से इस कोने तक होगा, तो मतलब चार। समझना जरा ध्यान से, एक बॉडी डायगोनल, दो बॉडी डायगोनल, तीन बॉडी डायगोनल और चार बॉडी डायगोनल। टोटल हमारे पास बॉडी डायगोनल कितने आ गए? चार। और एक बॉडी डायगोनल पर कितना वाइट्स होता है? एक और एक दो। समझना जरा ध्यान से, एक बॉडी डायगोनल पे कितने वाइट्स होते हैं? टेट्राहेड्रल वाइट्स दो, दो टेट्राहेड्रल वाइट्स होते हैं एक बॉडी डायगोनल पर। तो चार पर कितने होंगे? चार दुनाई आठ। समझ में आई? आठ टेट्राहेड्रल वाइट्स होंगे, आठ टेट्राहेड्रल वाइट्स होंगे चार बॉडी डायगोनल। इतना जरा नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं, आगे आपसे बात करता हूं। नोट कर लीजिए सभी लोग। आइए अब हम बात करते हैं अष्टफलकी की। किसकी बात करते हैं? अष्टफलकी की। तो हेडिंग डालेंगे अष्टफलकी रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल वाइट्स क्या होती है, इसके विषय में जानना है और सीखना है। तो आइए देखते हैं अष्टफलकीय रिक्ति के विषय में जानते हैं। तो अष्टफलकीय रिक्ति सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको बॉडी सेंटर्ड पर होती है। कहां पर होती है? नंबर ए, बॉडी सेंटर्ड पर होती है। अष्टफलकीय रिक्ति कहां होती है? बॉडी सेंटर्ड पे, ऑक्टाहेड्रल। बॉडी सेंटर्ड आपको पता है, जैसे हम कहें फेस सेंटर्ड पहले बना लेते हैं। बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के बीचों बीच। अब ये आपका फेस का एटम हो गया, ये फेस का, ये फेस का, ये फेस का, एक आपके साइड ये फेस, एक आपके विपरीत साइड ये फेस, ये फेस सेंटर्ड हो गया, ये अब सीसी हो गया। अब इसका बॉडी कहाँ होगा, केंद्र कहाँ होगा बॉडी का? तो बॉडी का केंद्र यहाँ बीचों बीच होगा, तो तभी तो उसे बॉडी सेंटर बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्ति कहाँ होती? बॉडी के सेंटर पर। कैसे होती है देखो जरा ध्यान से, एक दो तीन बॉल्स, एक दो तीन, टोटल कितने बॉल्स हैं? छह बॉल। इधर से एक बॉल, इधर से एक बॉल, नीचे से एक बॉल, ऊपर से, चारों तरफ से, मतलब छह तरफ से भाई, छह बॉल से छह फेस होगी, छहों तरफ से एक एक बॉल अटैच रहता है। तो बीच में कुछ ना कुछ स्पेस खाली बच जाता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेस खाली बचता है, कुछ ना कुछ वाइड आती है, कुछ ना कुछ रिक्ति होती है, इसी रिक्ति को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, अष्टफलकीय रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, अष्टफलकीय रिक्ति। और मैंने बताया भी था छह बॉल को मिलाकर क्या 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 बनती है? अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छह, छह बॉल्स आपस में ऐड रहती, इन्हीं को मिलाकर क्या बनती? अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। बात समझ में आ रही है? एक तो हो गई यहाँ पर बॉडी सेंटर पर कितनी होती है? वन। ये तो पूरी अष्टफलकीय हो गई एक। और जो दूसरी रिक्ति होती है वो बच्चों कहाँ पर होती है? कोर केंद्र पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी नंबर की जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है वो कोर केंद्र पर होती है, कोर के केंद्र पर, इड्ज सेंटर कह सकते हो, इड्ज सेंटर पर होती है। इड्ज सेंटर, इड्ज सेंटर क्या होता है? जैसे हम बना लेते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इड्ज सेंटर, ये आपका हो गया। अब यहां से यहां तक की दूरी को ए बोलेंगे, यानी कोर लंबाई बोलेंगे और इसका जो सेंटर होगा बीच में, इसे ही को तो बोलेंगे कोर केंद्र, मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी कोर लंबाई बोले, यहां से यहां तक की दूरी कोर लंबाई, और इसी का जो बीच में सेंटर था इसे बोलेंगे क्या? कोर केंद्र, इड्ज सेंटर। मतलब यहां पर भी अष्टफलकीय रिक्ति पाई जाती है। अब देखना जरा ध्यान से, इसी को मैं मिटा देता हूं, कैसे यहां पर पाई जाती है? अगर हम यहाँ की बात करें तो भाई ये फेस सेंटर्ड है, तो यहाँ पर एक फेस होगा, मतलब परमाणु होगा फेस पर, एक परमाणु इस कॉर्नर पे होगा, एक परमाणु इस कॉर्नर पे होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बड़े आराम से होगा।
एक परमाणु जैसे नीचे फेस है वैसे ऊपर भी तो फेस होगी दूसरी यूनिट के लिए, तो एक परमाणु यहाँ होगा, मतलब एक परमाणु इधर, एक परमाणु इधर, एक परमाणु इधर और एक परमाणु इधर। कहने का मतलब एक इधर हो गया, समझना मेरी पोजीशन को, एक इधर और एक इधर, दो एंगल हो गए, एक आपकी तरफ एक आपकी विपरीत, चार हो गए, समझना जरा भाई, एक इधर एक इधर, दो एक आपकी तरफ और एक पीछे, चार हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, वो भी तो होंगे, उसको भी तो ऊपर नीचे वाले को मैं ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा, ये मान लो ऊपर हो गया और ये मान लो क्या हो गया, नीचे हो गया, समझना जरा ध्यान से एकदम, कोई दिक्कत किसी को, या मैं एटम्स को नहीं बनाता हूँ, समझिएगा एकदम से, मतलब यहां पर भी टच कर रहा है, यहां पर भी टच कर रहा है, इधर भी एक एटम है उधर टच कर रहा है। फिर से बता देता हूं, मतलब ये जो फेस होगा यहां, यहां जो रिक्ति होगी, इस एटम्स का ऊपर भी एक एटम होगा, इधर भी एटम, इधर भी एटम, चार तरफ एक ऊपर साइड एक नीचे साइड, मतलब यहां पर जो रिक्ति होगी वो कितने बॉल्स के द्वारा बन रही, एक दो तीन चार पांच छह बॉल्स रहेंगे, कितने बॉल्स रहेंगे, छह। तो यहां पर जो रिक्ति होगी उसे भी क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बोलेंगे, समझ रहे हैं, मतलब कोर के केंद्र पर एक रिक्ति होगी, कोर के केंद्र वाली रिक्ति भी कितने गोलों के द्वारा बनी होगी, छह गोलों के द्वारा, कौन कौन से छह गोले, एक दो तीन, एक इसके अपोजिट चार, एक ऊपर और एक नीचे, पांच छह हो गए, छह बॉल्स के द्वारा यहाँ पर रिक्ति बनी है, बात समझ पा रहे हैं। अब ये तो एक कोर की बात हो गई, कितने कोर की बात हो गई, एक, टोटल कोर होती कितनी है, तो जरा मैं यहाँ पर गिन के बता देता हूँ, यहाँ पर गिन देता हूँ, चलिए ये भी गिनते हैं, वन, अलग से बना के बताता हूँ आपको, ज्यादा बेटर पड़ेगी, टोटल कोर्स होती कितनी है, देखिए गिनिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, टोटल कितनी कोर हो गई आपके पास, 12, समझिएगा जरा। तो कहेंगे कि 12 वाइड्स होती हैं, ना 12 वाइड्स भी नहीं होती, कहेंगे क्यों, बड़ी समस्या फंस गई, तो बच्चों 12 वाइड्स नहीं होती हैं, 12 कोर हैं, और जो कोर पर जो वाइड्स होती है वो कितनी एक क्यूब के अंदर होती है, 1/4, कितनी होती है, 1/4, जो 12 वाइड्स हैं, 12 रिक्तियां हैं, वो जो कोर पर हैं, अब कोर की रिक्ति 1/4, मतलब जैसे ये रिक्ति है गई, तो एक यूनिट इधर हो गई, एक इसी के पीछे होगी, दो हो गई और दो ऊपर हो जाएंगी, मतलब चार यूनिट में एक वाइड पार्टिसिपेट करेगी, तो क्या बोलेंगे, 1/4, मतलब एक वाइड जो होती है एक क्यूब के अंदर कितनी होती है, 1/4, तो 12 × 1/4, तो क्या हो जाएगा आपका, 12 × 4 = 3, तो क्या बोलेंगे, टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितनी होती है, 3 होती है, टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स 3 होती है, बात समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि कोर के केंद्र पर 3 वाइड्स और बॉडी सेंटर्ड पर 1, कोर के केंद्र पर 3 वाइड, कोर के केंद्र पर कितनी वाइड्स, 3 वाइड्स, और बॉडी सेंटर पर कितना वाइड्स, 1, टोटल कितना हो गया, 4। कह सकते हैं अष्टफल की रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है, अष्टफल की रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है, 4, और चतुष्फल की रिक्तियों की कुल संख्या मैंने कितनी बताई बच्चों, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कुल मैंने बताई 8। तो यहां से हमें कंक्लूजन निकालते हैं, यह जी जेड बराबर मान लीजिए यन आया, परमाणुओं की संख्या क्या है, यन है, जेड बराबर यन, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल कितना होगा, 2n होगा, कितना होगा बच्चों, 2n, समझना, और ऑक्टाहेड्रल कितना हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कितना हो जाएगा बच्चों, n, मतलब परमाणुओं की संख्या का दुगुना, एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं निकाल लीजिए आप लोग, 3 हो जाएंगे फेस वाले, 4 परमाणु, मतलब अगर 4 परमाणु है तो टेट्राहेड्रल कितना होगा, 8, और ऑक्टाहेड्रल कितना होगा, 4, मतलब n के बराबर होगा,
समझना तो इस बात को जो समझ गया उसका खेल यही पे आ जाता है। सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल यहीं से निकल के आते हैं, यहीं से क्वेश्चन होते हैं। मतलब कहने का टेट्राहेड्रल वाइड्स अगर दो है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होंगे? टेट्राहेड्रल वाइड्स अगर मान लो आठ है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स उसी का आधा चार, अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स चार है तो टेट्राहेड्रल कितना? आठ। बात समझ में आई? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जितना जो भी हो सके परमाणुओं की संख्या का दोगुना टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा और परमाणुओं की संख्या के बराबर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगा। इसे आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और देख लीजिए। कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं मनोज यादव, हरिओम क्लासेस के माध्यम से आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती कॉन्टेक्ट करिए हमसे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए हरिओम।